स्थानीय निकाय चुनावों में राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी बिजली पानी को सहज उपलब्ध कराने, सड़क नालियां विद्युत खरंजाओं से निजात दिलाने, ढेल ढहेल द्वारा स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत वेंडर जोन बनाकर उन्हें मजबूत रोजगार मुहैया कराने को लेकर राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी आगामी नगर निकाय चुनावों में मैदान में उतरेगी। इस बारे में गुरुवार को होटल अतिथिवन वाटरवर्क्स पर आयोजित राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी इन चुनावों में पूरे प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारेगी और साथ ही राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी जिन बूथों पर चुनाव लड़ेगी उनमें सभी को शुद्ध पीने का पानी, शहरों में वाटर कॉलिंग की समस्याओं को दूर करने तथा नाले नालियों को मानसून से पहले साफ सफाई तथा उनका जीर्णोद्धार होगा। जनता को अनाप शनाप हाउट टैक्स से मुक्ति मिलेगी। बड़े शहरों में शहर के सभी कोनों में खेल के मैदान की व्यवस्था होगी। राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी आगामी आने वाले नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं, उसमें पूरी दमखम से उतरेगी। साथ ही आज जो हमने ये प्रेस वार्ता रखी है उसमें हम लोग जो मूलभूत समस्याएं जैसे कि पानी की बढ़ने की समस्या है शहरों में, जिस तरह से लोगों को पानी पीने का साफ पानी पीने को नहीं मिलता है, और ख़ासतौर से जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है जो अभी तक लागू नहीं किया गया है शहरों के अंदर, और जिसमें कि ठेले वाले और छोटे हाथ ठेले वाले सब्जी बेचने वाले इन लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसको स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लागू कराने का काम भी हमारी राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी करेगी। और साथ ही हम लोगों ने ये भी प्रोग्राम बनाया है कि जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं और जहाँ पर उनका क्षेत्र है वहाँ पर कोई भी विकास कार्य कहीं भी कोई भी मतलब नगर निगम हो चाहे नगर निकाय हो वहाँ पर नहीं करता है, वहाँ पर हम लोगों विशेष रूप से उनको पानी के पीने का पानी और प्रकाश व्यवस्था और साथ ही सड़कें, इन कामों को प्राथमिकता पे हमारी पार्टी करेगी। इस प्रेस वार्ता में सर्वश्री हरिमोहन, राकेश गुप्ता, कल्पना अग्रवाल, गोविंद यादव आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे।